गाइस इस एक्शन विलन सो थे गाइस आज का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड आज के इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे क्या आप लोगों को रियलमी 6 ओबी 2022 में खरीदना चाहिए। सो गाइस इस बार टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे एंड काफ़ी सारे डिटेल के साथ ये वीडियो में बना रहा हूँ। सो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब गाइस ज़रूर करना। नीचे मेरा व्लॉगिंग चैनल का लिंक है तो उस पर जाके व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार गिव अवे वगैरह उधर चलते रहते हैं। हर एक व्लॉग पे मैं गूगल पे के गिफ्ट कार्ड गिव अवे करता हूँ। सो उधर जाके आप लोग गूगल पे के रिडीम कोड यानी गिफ्ट कार्ड्स वगैरह जीत सकते हो। सो मेक श्योर उस चैनल को सब्सक्राइब करो, देखो पहले जो देखता है व्लॉग उसी को मिलता है। सो चार पाँच ही रहते हैं, सो ज़रूर से ज़रूर आप लोग जाके सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड पहले व्लॉग देखने का ट्राई करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑल कर देना। सो अभी टॉपिक पे आते हैं कि आप लोगों को क्या रियलमी 6 ओबी 2022 यानी गाइस इस साल पे आप लोगों को खरीदना चाहिए। तो गाइस देखो इसका ना मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ शायद से 2021 एंड 2022 का, बट गाइस इस वीडियो में मैं कुछ और चीज़ें डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा जो कि आप लोगों को जरूर से सुनना चाहिए। सो देखो रियलमी 6 गेम खेलने के लिए तो एक काफ़ी बेहतरीन डिवाइस है, काफ़ी अच्छा तगड़ी डिवाइस है गेम खेलने के लिए, बट फिलहाल इस डिवाइस में ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लाइक जो अपडेट वगैरह इन लोगों ने पुश किया है रियलमी तरफ से एंड बहुत सारे यानी अपडेट पे अपडेट आते जा रहे हैं, राइट। सो इसमें क्या हो रहा है ना, फ़ोन थोड़ा सा स्लो अप हो गया, थोड़ा सा स्लो डाउन होने की वजह से गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं चलता, थोड़ा बहुत लैग वगैरह एंड फ्रेम ड्रॉप इशूज़ आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। बट इधर पॉइंट क्या है, पॉइंट देखो गाइस जो मतलब फ्रेम ड्रॉप इशू तो आप लोग को देखने को मिलेंगे बट इतना भी नहीं कि आप लोग गेम खेल ना पाओ एंड बहुत मज़े से ही गेम खेल सकते हो, बट हाँ थोड़ी देर में आप लोगों को लैग फ्रेम ड्रॉप इशू हीटिंग इशू थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। बट गाइस इधर मैं एक पॉइंट बताता हूँ, बट इधर ना बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स भी अभी रिसेंट लॉन्च हुए जो कि इस प्राइस कैटेगरी यानी रियलमी 6 में 13 से 15,000 के अंदर रियलमी 6 का प्राइस रख रहा हूँ। आप लोग मुझे एग्जैक्ट प्राइस कमेंट करके नीचे बता देना अभी फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पे क्या चल रहा है। तो इस प्राइस रेंज में ना बहुत सारे ऐसे डिवाइस आ गए जिसमें एक्सट्रीम यानी 60 FPS सपोर्ट करता है। अभी रियलमी 6 पे भी 60 FPS सपोर्ट करता है, बट इसका फ़ायदा क्या है, इसका 90Hz का रिफ्रेश रेट है। सो गाइज आप लोगों को पता होगा कि 60 FPS पे चलता है, 90Hz का रिफ्रेश रेट में लेके क्या करूं। सो इसमें ना गाइस एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि गेम जो 60 FPS का डिवाइस है एंड 60Hz का स्क्रीन है, तो 60Hz पे 60 FPS खेलने में जितना मज़ा है ना, 90Hz में 60 FPS खेलने में उससे ज़्यादा मज़ा है। अगर मैं आप लोगों को कंपेयर करूँ कि एक मेरा ही मतलब दोस्त था जिसके पास 60 FPS का डिवाइस है एंड 60Hz पे उसका स्क्रीन है, बट उसमें जो स्मूदनेस है ना उससे मेरे रियलमी 6 में ज़्यादा स्मूदनेस दिखता है। या फिर मेरा ही पकड़ लो, मेरा जो आईफोन है उसमें 60Hz का स्क्रीन है, 60 FPS का डिस्प्ले, उसमें भी 60 FPS चलता है एक्सट्रीम तक, एंड मेरे रियलमी 6 में 90Hz का रिफ्रेश रेट उसमें भी 60 FPS चलता है। बट कुछ कुछ टाइम पे ना जब 60 FPS प्रॉपर रियलमी 6 देता है तो उसका जो ग्राफिक्स क्वालिटी एंड ग्राफिक्स डिलीवर करता है वो, तो वो आईफोन से भी थोड़ा बहुत अच्छा लगने मतलब अच्छा लगता है देखने में। भले ही यार आईफोन के साथ कोई कंपेयर नहीं होता क्योंकि आईफोन वैसे में किंग है, बट यार फिर भी मैं जो कंपेरिजन बता रहा हूँ एक सेकेंड का भी वो पकड़ के चलो। एंड इधर ना आप लोगों को बहुत सारे और डिवाइस मिल जाएंगे जैसे पोको X3 प्रो हो गया एंड बहुत सारे ऑल। सो इसमें डिवाइस में ना आप लोगों को गेम तो 60 FPS पे खेलने को देखने आएगा, साथ ही साथ 120Hz का रिफ्रेश रेट, 90 FPS का रिफ्रेश रेट एंड बहुत सारे कुछ देखने को मिल जाएगा। बट गाइस इसका प्राइस रेंज थोड़ा सा हाई है। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ दो चीज़ें कहूँगा कि अगर आप लोगों का बजट एकदम 12-13 हज़ार है तो उससे ना आप लोग अगर बजट थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो लाइक 1-2, तो आप लोग रियलमी 6 को मतलब आसानी से लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़्यादा आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि भाई फ़ोन लैग हो जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह, एंड 5G फ़ोन भी नहीं है, सो उसमें कोई टेंशन आप लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं है। बट गाइज इधर पॉइंट पर आते हैं कि जो मतलब आप लोगों को अगर एक प्रॉपर गेमिंग फ़ोन चाहिए तो आप लोग प्रोको X3 प्रो को भी कंसीडर कर सकते हो, बट उसके लिए आप लोग का बजट 15,000 अगर है तो आप लोग रियलमी 6 को मत लो, और थोड़े दिन वेट कर लो 2-3 हज़ार जमा करने में एंड 18,000 में आप लोग पोको X3 प्रो को ख़रीद लो। अभी इधर पोको X3 प्रो पे भी बहुत सारे जो डाउट्स हैं सवाल आए थे काफ़ी टाइम से कि पोको X3 प्रो लैग हो रहा है, हीटिंग इशू हो रहा है एंड काफ़ी सारे कुछ, तो गाइस उस प्रॉब्लम में बारे में मैं बात करूंगा कि उस प्रॉब्लम पे ना पोको X3 प्रो थोड़ा बहुत गिर गया था, डाउनफॉल हुआ था पोको X3 प्रो का, बट मुझे नहीं लगता सारे डिवाइस ऐसे ही हैं। भले ही मतलब पोको का ब्रांड आप लोगों को मिल रहा है तो बहुत अच्छा ही होगा, सो पोको X3 प्रो अगर ले सकते तो बहुत ही बढ़िया, उसमें गेम भी अच्छा चलता है। बट गाइस रियलमी 6 भी कोई मतलब ऐसे
कम वाला डिवाइस नहीं है उसमें, ठीक है, तो आप लोग उसको भी कंपेयर कर सकते हो। तो मैंने एक ही कंक्लूजन निकाला है लास्ट में, अगर आप लोगों का बजट 12-13 हज़ार है, 2,000 और बढ़ा के थोड़ा रियलमी 6 वगैरह आप लोग परचेज कर सकते हो। बट अगर आप 15-16 थाउज़ेंड के अंदर गेमिंग फ़ोन ढूंढ रहे हो, तो मेरे हिसाब से पोको एस सी प्रो वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है मार्केट में अभी फ़िलहाल। एंड काफ़ी सारे और भी डिवाइसेस लॉन्च हुए, बट वो लोग मुझे नहीं लगता कि वो पोको एस सी प्रो के मुकाबले भी बहुत अच्छे होंगे। सो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखना कि आप लोग कौन सा फ़ोन ले रहे हो। एंड गाइज, अगर आप लोग फ़ोन खरीदना चाहते हो कोई भी एक डिवाइस, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, मैं ज़रूर से रिप्लाई दूंगा कि आप लोग का ये डिवाइस लेना सही होगा इस बजट रेंज में। सो गाइज, ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना, एंड हाँ एक शेयर करो यार, एटलीस्ट वन शेयर कर दो। अगर आप लोग व्हाट्सएप खोलते ही हो तो मेरा वीडियो का लिंक भी थोड़ा ग्रुप वगैरह में भेज दिया करो यार, क्या जाता है। एंड सब्सक्राइब करो यार, मुझे पता है आप लोग हाँ न्यू है भाई, तुम न्यू हो भाई, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब ठोको एंड बेल आइकन को भी ऑल पे करो ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आए एटलीस्ट। एंड वीडियो देखा करो यार, वीडियो में बहुत मज़ा आता है। एंड ब्लॉगिंग सेल पे जाओ, गिवअवे वगैरह जीतो, पार्टिसिपेट करो, गूगल पे गिफ्ट कार्ड्स, 5 पहले बंदे में अगर आप लोग व्लॉग देखते हो तो ज़रूर से ज़रूर आप लोगों को गूगल पे के रिडीम कोड्स मिल जाएंगे। सो मचाओ यार, रिडीम करो एंड गूगल पे के गिफ्ट कार्ड्स वगैरह कोड वगैरह जीतो। सब्सक्राइब ठोको व्लॉगिंग चैनल को, व्लॉगिंग चैनल को भी शेयर करो, बहुत मज़ा आएंगे व्लॉगिंग चैनल में। नीचे डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में सबसे ऊपर लिंक डाला हुआ है। सो मिलते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन कह रहा हूँ, सॉरी। टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय। Thank you.